सुरक्षा को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह से तैयार है। सिरसा में लगाया गया कर्फ्यू, सेना को भी तैनात किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम कदम उठाए गए। हरियाणा में धारा 144 लगने के बाद ही भीड़ जुटने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का केंद्र और हरियाणा सरकार को आदेश, कहा केंद्र जरूरी कदम उठाए वरना हम आर्मी को देंगे निर्देश। हरियाणा में इंटरनेट बैन। डेरा प्रमुख पर फैसले को लेकर अलर्ट, गृह मंत्रालय भी हुआ सतर्क। अर्धसैनिक बलों की 167 कंपनियां बेची गई। डेरा प्रमुख राम रहीम पर कोर्ट के फैसले को लेकर पूरे हरियाणा में तनाव की स्थिति। आज और कल बंद रहेंगे प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाएं और सरकारी दफ्तर। बाबा के समर्थकों पर काबू पाने के लिए सरकार ले सकती है सेना का सहारा। फतेहाबाद के डीसी का बड़ा बयान, कहा पैलेट गन का भी विकल्प है खुला। डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम पर कल आने वाले फैसले को लेकर चंडीगढ़ में उमड़ रहे डेरा समर्थक। हरियाणा और पंजाब में अलर्ट पर पुलिस। डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम पर फैसले से पहले सिरसा में भी जुटने लगे भारी संख्या में डेरा समर्थक। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। डेरा प्रमुख पर फैसले से पहले लुधियाना में भी अलर्ट पर पुलिस। आने जाने वाले सभी वाहनों की सघन तलाशी हो रही है। पंचकुला में राम रहीम के समर्थकों के जमावड़े को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। शहर में धारा 144 लागू। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 3 दिनों के लिए स्कूलों को बंद किया। 25 अगस्त को राम रहीम पर फैसले को लेकर हुए तनाव का असर दिल्ली में भी दिखने लगा है। दिल्ली से हरियाणा और पंजाब जाने वाले लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। कश्मीरी गेट बस अड्डे से जाने वाली बसें बिल्कुल खाली जा रही हैं। नॉर्दर्न रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब जाने वाली 28 ट्रेनों को रद्द किया। 6 ट्रेनें आज की गई रद्द, तो वहीं 22 ट्रेनें 25 अगस्त को रहेंगी रद्द। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 200 रुपए के नए नोट की तस्वीर को जारी किया। 200 के नए नोट शुक्रवार को होंगे जारी। निष्ठा के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। निष्ठा का अधिकार बताया मौलिक अधिकार। 9 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। निष्ठा के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर हमला, कहा यूपीए ने आधार को नहीं दी थी कानूनी सुरक्षा। कांग्रेस ने कहा यह फैसला बीजेपी के लिए है झटका। आईएनएक्स मीडिया घोटाले के आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्तिक चिदंबरम सीबीआई के सामने हुए पेश। 8 घंटे तक चली पूछताछ। 28 अगस्त को फिर से पेश होने का आदेश। चीन ने भारत में बसे अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा भारत में अपनी सुरक्षा का रखे ख्याल, बीमारी आपदाओं से भी खुद को बचाएं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म हो गई है। डॉक्टर्स पर लगातार हो रहे हमलों का भी विरोध हो रहा है। बुधवार को एक महिला मरीज ने इलाज में देरी के चलते महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपिटाई कर दी और उसके बाद डॉक्टर्स ने हड़ताल का फैसला किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते सफदरजंग अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई थी। मरीजों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ बायर्स का 13वें दिन भी प्रदर्शन जारी। बिल्डर बायर्स विवाद को कमेटी 25 अगस्त को सुलझाने की करेगी कोशिश। नोएडा अथॉरिटी ने आज उन फ्लैट मालिकों को राहत देने के लिए एक नई पॉलिसी बनाई है जो फ्लैट मालिक बिल्डर का कंप्लीशन ना मिलने की वजह से रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे थे। नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर के प्रोजेक्ट के कंप्लीशन सर्टिफिकेट की शर्तों में बदलाव किया। बिल्डर अपने प्रोजेक्ट के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए सभी एनओसी लगाकर प्राधिकरण की बकाया राशि का 10% जमा करना होगा। बिल्डर अगर 10% जमा करता है तो उसके आधे टावरों का टेम्परेरी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होगा। नोएडा में अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रोटेस्ट। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने किया प्रोटेस्ट। नोएडा अथॉरिटी पर लगाया शोषण का। गाजियाबाद के अस्पताल में मरीज की पिटाई हुई है। अस्पताल के कर्मचारी ने कपड़े बदलने के नाम पर कर दी पिटाई। फरीदाबाद में बुजुर्ग महिला से हुई लूटपाट की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 14 तोला सोना और आधा किलो चांदी को बरामद किया गया।